सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि नैब मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है और फिर गवाहियां और सबूत ढूंढता रहता है। नैब मुलजिम फैसल कामरान कुरैशी की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम ने अपने रिमार्क्स में कहा, नैब मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद गवाहियां और सबूत ढूंढता रहता है। उन्होंने सवाल किया कि नैब सारी कार्रवाई तहकीकात मुकम्मल करके गिरफ्तार क्यों नहीं करता। किसी को फांसी लगाना है लगा दें, किसी को सजा देना है दे दें। जस्टिस मुशीर आलम ने इस्तफसार किया कि नैब इंक्वायरी तहकीकात मामलात में जल्दी क्यों नहीं करता। नैब के वकील ने बताया कि मुलजिमान की गिरफ्तारी रिकॉर्ड में टेम्परिंग के खदशे के पेशे नजर की जाती है। नैब वकील का मौकफ था कि मुलजिम फैसल कामरान ने स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया, रेफरेंस दायर कर दिया, कोशिश करेंगे रेफरेंस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। मुलजिम के वकील ने बताया कि इनके मौकिल के जिम्मे रकम अदा कर दी गई है। FIA में भी यही केस मेरा मौकिल भुगत चुका है। नैब के वकील ने कहा कि मुलजिम ने फ्रॉड की पूरी रकम अदा नहीं की। अदालत ने मुलजिम के वकील की जानिब से दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी।